कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा डोर टू डोर सप्लाई करने के लिए पास जारी किया गया है और अपील की गई है कि उचित मूल्य पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए सामानों का वितरण करें, लेकिन कुछ दुकानदार इसका पालन न करते हुए शासन प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अधिक रेटों पर ग्राहकों को खाद्यान्न सामान बेच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने गुरुवार को तारामंडल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण सुपर बाजार तारामंडल पर छापा मारकर दुकानदार को अत्यधिक रेटों पर सामान बेचते हुए पाया और वैधानिक कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, नीचे ऊपर सब बाहर आ जाएं। चलो बाहर जा। चलो बाहर जा पहले। बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि लोग ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, लोग ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो जो प्रस्तुत मार्ट था इसकी कई शिकायतें आईं। कई शिकायतों के बाद हमने फिर अपने लेखपालों को डमी कस्टमर के रूप में पेश किया, डमी कस्टमर बना के भेजा और वहाँ उनसे जब कोई सामान मांगने गए तो उसकी रिकॉर्डिंग की, तो जो सोयाबीन का ऑयल था, जो कोई तेल था वो 95 रुपीज़ का था, उसको 145 का दे रहे थे। इसके साथ साथ बहुत सारा स्टॉक उनके पास ऐसा पाया गया जिसको उन्होंने केवल स्टोर करने के लिए रख रखा था, तो इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग्स के लिए रख रखा था। और शासन के सख्त दिशा निर्देश हैं कि इस तरीके की जो भी शिकायतें हों उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, तो इसी क्रम में आज हम मौके पर गए पर्याप्त सबूतों के साथ और उसको मौके पर सील किया। और ब्लैक मार्केटिंग प्रिवेंशन एक्ट 1980 एंड एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 के तहत उन पर कार्रवाई की गई और उसको सील करके सुपुर्दगी उनको सप्लाई जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनको दी गई, ताकि फिर आगे उस पर कार्रवाई करेंगे एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है। तो इस तरीके की शिकायतें बहुत आ रही थी इस दुकान की, काफ़ी बड़ा मॉट है और इन लोगों ने अलीगल तरीके से होर्डिंग्स ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, तो आज यहाँ पर हमने किया।